हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज वाली वीडियोस में मैं आपको बताने वाली हूँ कि उस गोरख में मैंने और क्या क्या किया। नेक्स्ट डे जब मेरा पासपोर्ट का सारा काम हो गया था, तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं उस गोरख में हूँ, अपना वीजा लगवाने आई थी हंगरी का, तो उससे रिलेटेड भी। और बाकी आपको आज मैं उस गोरख घुमाती हूँ, यहाँ की सारी टूरिस्ट प्लेस और जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, देखने लायक है। तो चलिए आइए देखते हैं वो सब, और जो भी आप सबको क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी है तो आप वो सबका पूछ सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, एक्सप्लोर विद अदिति, एक्सप्लोर अंडरस्कोर विद अंडरस्कोर अदिति करके है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। तो आप उस पर भी मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं कुछ भी क्वेश्चन हो जो भी आपके मन में, तो वो पूछ लेना। और प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। मैं कभी बोलती नहीं हूँ ऐसा, तो मैंने सोचा कि इस बार पहले ही बोल देती हूँ। तो चलिए आइए वीडियोस देखते हैं। जैसे कि आप इसमें देखोगे, ये पूरा यूक्रेन है, तो उजगोरख पड़ता है इसके वेस्टर्न साइड पे। ये रहा उजगोरख, तो इसका जो क्या बोलते हैं बॉर्डर है, ये दो जगह से टच करता है, एक है स्लोवाकिया एक है हंगरी। तो आप इन दोनों जगह पे यहाँ से जा सकते हैं बाय लैंड। तो यार इस हॉस्टल का नाम है सिटी हॉस्टल पैनोरामा और एकदम सेंटर पे है, और इसमें काफ़ी अच्छी रेटिंग वगैरह भी है इसकी। मैं पर्सनली भी इसको रिकमेंड करूँगी, और लिफ्ट वगैरह भी है इसमें। ये एकदम सेंटर पे है, यहाँ पे ही हूँ, और वो जो आपको दिख रहा है वो मेन सेंटर है यहाँ का। तो गाइस ऐसा कुछ मेरा हॉस्टल दिखता है। ये रिसेप्शन है, यहाँ पे ये सिक्स वाला रूम है, यहाँ पे ये टू वाला है, सब कुछ है इसमें, वॉश बेसिन बट टॉयलेट, और जो किचन है वो आगे जाके किचन है जिसमें हम खुद बना सकते हैं और अपना खाना वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं, धोना वोना सब कुछ। फिर यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं, मतलब यहाँ जो भी लोग रह रहे वो सब अपना सामान रख देते हैं। ये सबके लिए कॉमन एरिया है। ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, अंडे हो जाएंगे वो हो जाएगा। तो गाइस ये है मेरे हॉस्टल से व्यू। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आ रही हो और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी लग रही होगी, किसी किसी को बोरिंग लग रही होगी, बट ये जो यूक्रेन में बच्चे हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल है, और इवन कि अगर कोई बाद में भी आना चाहे उसके लिए भी बहुत यूज़फुल है। तो मैंने अपने हॉस्टल में बात कर लिया है कि मैं अपना बैग छोड़, मेरा चेक इन तो हो गया ऑलरेडी, चेकआउट सॉरी, और मैंने उनसे बात कर लिया है कि अगर मैं अपना सामान रख दूँ, क्योंकि मेरी ट्रेन शाम की है, तो इसलिए मैं ये पानी वगैरह भी एकदम फ्रिज में रख देती हूँ ठंडा ठंडा, क्योंकि अभी अगर मैं शाम को बैठती हूँ यहाँ पे तो मैं पहुँचूँगी कल दिन में 1 या 2 बजे तक। सो या तो अभी मैं आ जा रही हूँ घूमने, कैसल जा रही हूँ मैं अभी, तो उसी के रास्ते में बायोलॉजी फैकल्टी पड़ गई ओडेसा नेशनल यूनिवर्सिटी की, और बीच में रास्ते में मेरे को ये मिल गई थी एक लड़की, तो उसने मेरे को ये निकाल के दी। ये यहाँ की ओल्डेस्ट चर्च है और बहुत फेमस है यहाँ पे ये चर्च, होली, इसका नाम है होली क्रॉस कैथेड्रल। तो यहाँ सुंदर तो लग रही है। बहुत पुरानी, बहुत ज़्यादा पुरानी है, यहाँ पे काम चल रहा है पूरे में। वैसे अभी कैसल 6 मिनट की दूरी पे, अभी और जाना है। यही यहाँ का फोर्ट है, फोर्ट के जस्ट सामने यहाँ की नेशनल यूनिवर्सिटी भी है। ये शहर बहुत छोटा सा है बट यहाँ पे सब कुछ है, और सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस में है, 5-5 मिनट 10-10 मिनट में सब कुछ है यहाँ पे। मेनली ये जो फोर्ट है ये बेसिकली जो हंगरी का हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, बट पता नहीं ये यहाँ क्यों है, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही। तो यार क्योंकि यहाँ पे जो भी इनकी हिस्ट्री है मेनली बेसिकली वो हंगरी से रिलेटेड है, ना कि यूक्रेन से, और यहाँ का थोड़ा सा सिस्टम भी थोड़ा अलग टाइप का है, जैसे कि हम ओडेसा में या फिर लिविव में थे तो वहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग था, बहुत गर्मी है वैसे तो बस। और
जस्ट उसके आगे यहाँ नीचे कैफे भी बना रखा है। जो कैसल है ये बना हुआ है उशगोरद की हिल पे, मतलब थोड़ा सा चढ़ के है, मतलब एकदम प्लेन पे नहीं है, थोड़ा सा ऊपर चढ़ के है ये। मैं यहाँ पे अभी बैठी हूँ, अभी जाती हूँ अंदर, थोड़ी देर बैठ गई थी, ऊपर आते आते बहुत ज़्यादा गर्मी है, एकदम सर दर्द होने लग रहा है यहाँ पे। तो बस यही, आज पूरा दिन मैं आपको यही सब दिखाने वाली हूँ। अभी वो चर्च थी पहले और अभी ये कैसल है, कैसल भी चल के देखती हूँ अंदर क्या है। इंडिया जैसे फोर्ट जैसे होते हैं वैसा तो नहीं होगा, बट लेट्स सी। तो यहाँ पे ये चार्जेस हैं, नॉर्मल एडल्ट के हैं 100 और स्टूडेंट के हैं 70। तो लेट वॉक। यहाँ पे ये सब कुछ पड़ा हुआ है, कुछ कुछ ये मिसाइल्स वगैरह हैं पहले के टाइम की, ये अभी की नहीं है, अभी का मत सोचना इसको, ये पहले की है सारी। ये फोर्ट के अंदर का एरिया है, यहाँ पे कुआ भी है, फ़ोन ना गिर जाए मेरा अंदर इसमें। यहाँ पे पहले का ये सब कुछ रखा हुआ है, यही ये कुछ यहाँ से नज़ारा है। इससे लिखा जाता था, ये इंक और फेदर है, इसी से लिखते थे लोग ये सब। ये यहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे, ये फोर्ट के अंदर ही कुछ कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, और ये सब यहाँ के कपड़े हैं। ये यहाँ का आप इसको पढ़ लेना अगर जिसको पढ़ना हो तो। ये कुछ बेड वेड था, ये रहने वाले का। प्रेस है, अरे एंट्रेंस है जहाँ से हमने एंट्री ली थी ये वाली। फोर्ट में जितने भी मतलब ये जो भी इनका पुराना सा वो है, जो हिस्ट्री के जो पेपर्स वगैरह लगे हैं वो सब के सब यूक्रेनियन लैंग्वेज में है, तो इंग्लिश में कुछ भी नहीं है, तो मतलब इतना यूज़फुल नहीं है, क्योंकि हमें आती है थोड़ी बहुत रशियन यूक्रेनियन, बट इतनी नहीं आती कि हम लोग कुछ बोल पाएँ या फिर इतना पढ़ के समझ लें। तो यह अच्छा है, मतलब आके देख सकते हो। तो मैंने फोर्ट वगैरह घूम लिया, और ये थोड़ा अच्छा सा एरिया है पूरा, मतलब ढलान ढलान टाइप की है यहाँ पर। तो मैंने अपना ब्रेक ले लिया है, मैं कॉफ़ी पीती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ अब आगे कहाँ जाना है। तो पहले आराम से अपनी कॉफ़ी वगैरह पीती हूँ, फिर थोड़ा स्ट्रीट्स वगैरह घूमूंगी। गाइज मेरा ओडेसा का सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है, मैं बस सब कुछ घूम भी लिया। अब गर्मी इतनी हो रही है, मन भी नहीं कर रहा कहीं जाने का, हॉस्टल से भी चेकआउट हो गया। अब यहाँ पार्क में बैठी हुई छाया में इतना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ यहाँ पे एक और चीज़ है, मतलब पूरे यूक्रेन में ही है ये, तो जैसे कि यहाँ पे गर्मी होती है बट हवा यहाँ पे ठंडी चलती है, यहाँ मतलब इंडिया की तरह नहीं कि लू चल रही है या फिर कुछ, काफ़ी अच्छा है। फिर के आ गई थी अपने हॉस्टल ही, अब यहाँ पे अपना सब पैक पैक करके बैठी हूँ बस कि एक घंटा निकल जाए, फिर जाती हूँ ट्रेन में। वहीं पे बैठी हूँ अभी हॉस्टल के रिसेप्शन पे ही, काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के, मतलब रिसेप्शन और ये हॉस्टल है, मैं इसका नाम डाल दूँगी सामने, काफ़ी अच्छा। अगर किसी को कभी उस बोर्ड आना हो तो यहाँ पर रुक सकते हो, बहुत साफ़ है, सब कुछ अच्छा है। तो या चलो बाय बाय टू दिस होटल। उशगोरद में इंडियन रेस्टोरेंट भी है, इसका नाम है शांति या फिर इंडिगो रेस्टोरेंट, ये इसका मेन्यू है। मैंने यहाँ से हुम्मस और पीता ब्रेड पैक करा लिया अपने रास्ते के लिए। सारा सामान भी मिल रहा है, जो भी क्या बोलते हैं इंडियन सामान है, ये भी सब कुछ, मतलब सब कुछ है, बहुत कुछ है यहाँ पे, मसाले भी हैं यहाँ पे, मेहंदी वगैरह सब कुछ अवेलेबल है।
सो यही था, एकदम सेंटर पे ही है ये भी। तो टैक्सी आ गई, अब चलते हैं। तो गाइस यही यहाँ का रेलवे स्टेशन है, आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो बस अभी अंदर जाके पता करती हूँ। रेलवे स्टेशन में यहाँ पे वग्जाल बोलते हैं, अंदर से कुछ ऐसा है, खाली खाली रेलवे स्टेशन। ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 ऐसा यहाँ पे दिखता है, एकदम सेम ही इंडिया जैसा। दो ऊपर, दो नीचे और दो इधर। यहाँ ट्रेन में कॉफ़ी भी मिलती है, वाईफाई भी है और सब कुछ अवेलेबल है। फाइनली ओडेसा आ गए। यहीं से ट्रिप स्टार्ट करी थी, यहीं से खत्म करते हैं, घर चलते हैं हम। फाइनली गाइस ये वाली ट्रिप खत्म हो गई है, फाइनली मैं घर आ गई हूँ। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन होगा इस वीज़ा से रिलेटेड, या फिर उजगोरद या फिर लिवीव, बस फ्लाइट, इन सब चीज़ों के बारे में, तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो। तो या आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड होप टू सी यू सून। अभी मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँगी। सो या, बाय बाय।